भाई क्या टाट है तुम्हारे, दिन भर हल खींचना पड़ता है, किसान के भी डंडे खाने पड़ते हैं, तब जाकर तुम्हें तुम्हारा मालिक चारा देता है। पूरे दिन चिलचिलाती धूप भी तुम्हें अपनी पीठ पर झेलनी पड़ती है। तोते की बात सुनकर बैल चारा खाते खाते रुक गया और तोते से कहा, तुम्हारी तरह दिन भर चार दानों के लिए मिलों मिल मारामारी तो नहीं करनी पड़ती। घर लौटने पर इतना तो तय रहता है कि पेट भर खाने को मिलेगा, फिर जो खिलाएगा वह काम तो लेगा ही, बिना काम के खाना भी तो ठीक नहीं है। तुम तो कोई काम नहीं करते, चुपके से किसी के खेत में घुस जाते हो या किसी के बाग में चोरी छिपकर फल कुतरने लगते हो। इतने में तोता बोला, इस तरह खाने का भी तो अपना ही आनंद है, तरह तरह के बढ़िया फल खाने को मिलते हैं, अच्छे फल ढूंढने में भी मेहनत लगती है मेरे दोस्त, और हमें जो आजादी मिली हुई है उसका भी तो अपना ही मजा है। हम जब चाहे जहां जा सकते हैं, लेकिन तुम तो अपनी मर्जी से न कहीं जा सकते हो न खा सकते हो। तुम्हारा मालिक जो तुम्हें खाने के लिए देता है वही तुम्हें खाना पड़ेगा। तुम्हारे आंगन में जो आम का पेड़ है जिस पर हर साल बढ़िया फल लगते हैं, तुम्हें कभी खाने को भी नहीं मिले होंगे। हमें देखिए, पके हुए आमों का आनंद हम सबसे पहले लेते हैं, तुम्हारे मालिक से भी पहले। तोते की बात सुनकर बैल ने फिर से कहा, ठंड और बारिश में मुझे अलग कोठरी में बांध देते हैं, तो मैं तो ठंड बारिश और ओले की मार भी झेलनी पड़ती है। अरे भाई, हम भी किसी मकान के कोने में जाकर छुप जाते हैं, हमारा भी समय कट जाता है। दिक्कत तो सभी के साथ है, हमें शिकारी मार गिराते हैं, पिंजरे में बंद करके ले जाते हैं। आजादी मिली है तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, आनंद और आजादी मुफ्त में थोड़े ही मिलती है, मगर खुली हवा में सांस लेने का तो मजा ही कुछ और है मेरे दोस्त। अब बैल ने कहा, मेरा जीवन भी निरर्थक नहीं है मेरे दोस्त, मैं जिस फसल को उगाने में मदद करता हूँ उसे पूरा परिवार साल भर खाता है। मेरा मालिक सबसे पहले मुझे खाना देता है, उसके बाद खुद खाता है। मेरे काम करने से ही कई लोगों का पेट भरता है, और मेरे ही काम करने से तुम्हें भी दाने मिलते हैं। मेरे ऊपर कई लोगों के पेट भरने की जिम्मेदारी है। बैल की बात सुनकर तोता भी शर्मिंदा हुआ और बोला, तुम भी सही कहते हो, हम दोनों अपनी अपनी जगह सही है, मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें चिढ़ाया, मुझे नहीं पता था कि तुम भी कितनी मेहनत करते हो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। और यह कहकर तोता फुर से उड़ गया। तो देखा बच्चों आपने, इस दुनिया में हर एक के जीवन का अपना महत्व है, किसी को आज़ादी मिली है तो किसी को जिम्मेदारी, और इसीलिए हमें एक दूसरे के जीवन का उपहास करने की बजाय उसके जीवन के अच्छे पहलुओं से प्रेरणा लेनी चाहिए।